सीरत रसूल इस कायनात में इंसान में सबसे अजीम इंसान की सीरत है, जिसने लोगों को जीना सिखाया, जो उसके हकूक़ बताए कि हमसायों के क्या हकूक़ हैं, रिश्तेदारों के क्या हकूक़ हैं, माँ बाप के क्या हकूक़ हैं, बहन भाइयों के क्या हकूक़ हैं, बीवी बच्चों के क्या हकूक़ हैं। पहले जिंदा बच्चियों को जो है मिट्टी में दफना दिया जाता था, मार दिया जाता था, तो नबी पाक सल्लम की विलादत हुई तो नबी पाक सल्लम ने उसी बेटी को रहमत बना दिया। माँ को पहले अपना बेटा गले में रस्सी डाल के बाज़ार में जाके बेच आता था, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ को इतनी इज़्ज़त अता की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ के पैरों में जन्नत का हुक्म दिया कि माँ के पैरों के तले जन्नत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो इतनी शान है कि अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लम की जुल्फ़ों की कसम खाई, आपके चेहरे मुबारक की कसम खाई, अल्लाह ताला ने आपकी ज़िंदगी की कसम खाई, आपके अखलाक के बारे को अल्लाह ताला ने अजीम जो है कहा। और नबी पाक सल्लम की इतनी शान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही क़यामत के दिन अपनी उम्मत की जो है शफात करनी, और अल्लाह इजाज़त भी सबसे पहले अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देगा। और यहाँ तक नबी पाक सल्लम को अल्लाह ताला ने शान अता की कि अल्लाह ताला सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत अता फरमाएगा, और जन्नत का जो दरवाज़ा होगा अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब के लिए ख़ुद जन्नत का दरवाज़ा खोलेगा। और इनके बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। इनकी शान इतनी बुलंद है कि कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता, कोई लिख भी नहीं सकता। अल्लाह ने उनको इतनी शान से नवाजा। अल्लाह के कई नबियों ने, अगर ये हमारी ज़िंदगी में अगर ये जो है इनकी विलादत हुई तो हम अपनी नबूवत छोड़ के इनकी उम्मत ही बन जाएंगे। उनसे मोहब्बत के बारे में यहाँ तक फरमाया है कि अपने माँ बाप से बढ़कर, अपने बीवी बच्चों से बढ़कर, अपनी जान से बढ़कर जिसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना की, उसका ईमान मुकम्मल ना हुआ। वो अल्लाह ताला की, अल्लाह के रसूल की शान में जो गुस्ताखी कर रहे हैं, जैसे इंडिया का जो है वो वसीम रिजवी, वो जो लानती है, अब तो मीडिया में आके उसके अपने माँ बाप ने कह दिया है हमारा इसके साथ ताल्लुक ही कोई नहीं, उसके बीवी बच्चों ने खुद छोड़ दिया मीडिया पे आके, इससे बड़ी जलालत उसके लिए क्या होगी। तो उसके माँ बाप ने कहा कि ये तो बचपन से लेके आज तक इसने कभी सच नहीं बोला, इसके अपने माँ बाप कह रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें दुख है, हमें तकलीफ़ है कि काश ये बेटा हमारा ना होता।